हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप राडिक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में परचेज रिटर्न मेमो प्रिंटिंग को कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे रिपोर्ट्स परचेज रिटर्न मेमो प्रिंटिंग पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट क्राइटेरिया फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे सभी डिटेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। व्यू, यहाँ पे आपको जिस व्यू वाइज रिपोर्ट व्यू या प्रिंट करनी हो वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट, डे बुक, यहाँ पे आपको F4 की प्रेस करके लिस्ट में से जिस डे बुक की रिपोर्ट व्यू प्रिंट करनी हो वो सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट, पीरियड, जिस डेट से लेके जिस डेट तक की रिपोर्ट व्यू प्रिंट करनी हो वो पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट, GR नंबर, जिस डॉक्यूमेंट नंबर से लेके जिस डॉक्यूमेंट नंबर तक की रिपोर्ट व्यू प्रिंट करनी हो वो यहाँ पे एंटर कर देना है। नेक्स्ट, पार्टी, सभी पार्टीज की रिपोर्ट देखने के लिए ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज कोई पर्टिकुलर पार्टी के लिए इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट, एड्रेस, अगर रिपोर्ट में पार्टी एड्रेस व्यू करना हो तो पार्टी एड्रेस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अगर डिलीवरी एड्रेस व्यू करना हो तो डिलीवरी एड्रेस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज बोथ ऑप्शन को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट, यहां से और भी जो डिटेल्स चाहिए उन्हें टिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी डिटेल्स सेट करने के बाद अगर हमें ये सभी क्राइटेरिया को सेव करना हो तो यहाँ पे सेव क्राइटेरिया पे टिक कर देना है, जिससे नेक्स्ट टाइम हम जब भी रिपोर्ट देखेंगे तो ये क्राइटेरिया एज इट इज सिलेक्टेड रहेगा, जैसे अभी सिलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट, हम यहाँ पे शो बटन पे क्लिक कर देंगे, रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आ गई है, यहाँ पे अगर आपको रिपोर्ट को प्रिंट करना हो तो यहाँ प्रिंट आइकन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से हम राडिक्स में परचेज रिटर्न मेमो प्रिंटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।